Members Association, हमारी मांगे करो, हमारी मांगे करो। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, हड़ताल पर बैठे सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश के कई जिलों में 2 घंटे तक चला प्रदर्शन, 2 घंटे तक ओपीडी सेवाएं बाधित। आइए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों में डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर्स, हरियाणा में सरकार के खिलाफ कभी किसान, कभी मजदूर तो कभी किसी न किसी विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। अब सरकारी डॉक्टरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। डॉक्टरों की क्या क्या मांगे, डॉक्टरों के लिए विशेष कैडर का गठन हो, SMO की सीधी भर्ती पर रोक लगे, PG के लिए बाउंड राशि घटाने की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में PG कोटा बहाल किया जाए, सभी डॉक्टरों को 10 साल में मिले प्रमोशन, डॉक्टरों के लिए जल्द बने PG पॉलिसी। करनाल में हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जिले भर में OPD व्यवस्थाओं को बंद किया गया और इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया, लेकिन इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन से मरीजों को इलाज के लिए काफी परेशान होना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद अस्पताल में पहुंचे मरीजों का इलाज करना शुरू किया और कहा कि हम सभी मरीजों को देखने के बाद छुट्टी लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ अपनी वाइफ को लेकर के, और सुबह 8 बजे से ही लाइन में बैठे हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर बिना नोटिस के, बिना उसकी जानकारी के यहाँ पर जैसे देख रहे हैं धरना चला हुआ है डॉक्टरों का, तो इससे बड़ी परेशानी हो रही है आम पब्लिक को कि अब तक 11 बजे भी देखिए 11 बजे चेक खत्म हो गई, उसके बाद कहीं जाकर के मरीज देखे जाए। हमने 2 घंटे की केवल पेन डाउन स्ट्राइक की है। मैं आम जन को ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर हमारी इमरजेंसी सेवाएं, हमारी लेबर रूम की सेवाएं, हमारी इमरजेंसी OT की सेवाएं, सभी सेवाएं, पोस्टमार्टम की सेवाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी भी इमरजेंसी सेवा को बाधित हम नहीं होने दे रहे। हम केवल सरकार को एक रिक्वेस्ट, एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन मांग, उन्होंने ऑलरेडी 1 साल पहले तक CM साहब के अनाउंसमेंट में आ चुकी है, HM ने मान ली है, हमारे मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी पता है कि ये सारी मांगे केवल लास्ट स्टेज पर रुकी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको, मांगों को स्पीड अप करे, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो फाइनेंस में हर्डल्स हैं, उनको पूरा जल्दी से जल्दी खत्म करे। वहीं गुरुग्राम में भी डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की। यह हड़ताल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की गई, लेकिन इस हड़ताल के कारण 2 घंटे तक मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में हर रोज करीब 3,500 मरीज इलाज कराने पहुँचते हैं। सोनीपत में भी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर जिला नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग रखी, लेकिन डॉक्टरों की OPD व्यवस्था को बंद रखने के कारण कई मरीज परेशान हुए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के लिए अलग से कैडर बनाने की मांग, इसको मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी लिखित में मांगे सौंपी गई थी, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा कि हमारे एसोसिएशन के जो सेंटर स्टेट बॉडी है उसके द्वारा हमें गाइडलाइन दी गई थी कि हमारी कुछ समय से जो डिमांड है सरकार उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही, जैसे कि हमारा जो वेतनमान है केंद्र की तर्ज पे दिया जाए, जैसे कि 3, 9 और 14 साल पे जो लगता है, प्लस में जैसे केंद्र सरकार के द्वारा
फोर्थ ACP भी दी जाती है, तो उसकी भी डिमांड है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि ये पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी कंक्रीट, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टरों के प्रदर्शन का असर कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला और सभी डॉक्टर प्रदर्शन के दौरान अपनी सीटों पर मौजूद नहीं थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने सरकार से अपनी उन चार मांगों को मनवाने की अपील की है और मांगे ना मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। दरअसल डॉक्टर पिछले लंबे समय से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैडर बनाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सर्विसेज PG पॉलिसी में बॉन्ड की रकम 1 करोड़ रुपए से घटाने की मांग भी की जा रही है। साथ ही डायरेक्ट स्मोक की भर्ती बंद करने और फोर्थ ACP की सिफारिशें लागू करने की मांग भी की जा रही है, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पिछले 3 साल से इन सिफारिशों को लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर बेहद परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले पानीपत सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे की हड़ताल की। डॉक्टरों की हड़ताल से पानीपत के अस्पताल की OPD 2 घंटे बंद रही, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगठन के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद ढांडा ने कहा कि ये मांगे हो सकती है डॉक्टरों की भलाई हो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की भलाई है। हरियाणा आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत राज्य है, लेकिन क्या हरियाणा की जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा डिजर्व नहीं करती है? डॉक्टरों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। हरियाणा के कई जिलों में डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान मरीज काफी परेशान हुए, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगों को पिछले 2 सालों से टाला जा रहा है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।